हम उस जगमोहन प्रसाद की चौखट पर कदम नहीं रखेंगे। तुमने सिर्फ अपने हाथ ही नहीं जलाए, अपनी किस्मत की रेखाएं भी जला डाली। और हवन कुंड को वहां रखो, वहां। और देखो, कल हमारे खास मेहमान हमारे समधी होंगे, वो यहाँ बैठेंगे। नहीं दादी, वो लोग तो हमारे अपने हैं ना, तो उन्हें तो हमारे साथ हवन में बैठना चाहिए। और वैसे भी करण तो उन लोगों का दामाद है, उन्हें तो उसके साथ ही बैठना चाहिए। हाँ, आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ। भैया, ये जो पीले फूल है ना, इसको बीच में लगाइए, लंबा, लाल फूल के बीच में। है ना दादी, क्यों करने का, अच्छा लगेगा ना। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ भाई, बताइए। हाँ, ये पीला था। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम दोनों घर के काम में मदद कर रहे हो, पर अचानक इसकी वजह। दादी, ये हमारा घर है और यहाँ हवन हो रहा है, तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। वजह यही हो तो बेहतर है। हेलो, तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं संस्कार, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ी फाइल्स चेक कर रही थी। कल प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन है ना? I'm sorry, I mean it. तुम अपना काम करो, मैं। नहीं नहीं संस्कार, कोई बात नहीं, बोलो ना। वो पुरानी यादें ताजा हो गई थी। तुमसे वादा किया था अगर ऐसा होगा तो तुम्हें फोन करूंगा, तो इसीलिए तुम्हें फोन कर दिया। तुम अपना काम करो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय। मैं समझ सकती हूँ संस्कार, जीना कितना मुश्किल होता है जब उन अपनों की याद आती है जो अब पराए हो चुके हैं। क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? I am really sorry, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तुमने काम का मेरी वजह से अपना काम इग्नोर किया। नहीं नहीं संस्कार, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने लिए ना सही, मेरे लिए बात कर लो। हाँ? एक्चुअली क्या है ना, मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। बाहर बारिश हो रही है तो लगा, ये सावन का मौसम है ना, जब भी आता है दिल पर यादों के बादल छा जाते हैं, आंखों के साथ साथ मन भी नम हो जाता है। अकेलापन महसूस कर रहा था, डिप्रेस फील कर रहा था, तो तुम्हें फोन कर दिया। अरे ये क्या बात हुई, सानिया जैसी दोस्त होने के बावजूद तुम डिप्रेस कैसे फील कर सकते हो? ये तो गलत बात है। एक काम करें, कहीं बाहर चले, बारिश का मजा लेते हैं। तो चलो फिर कॉफी पीने चलते हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें आके पिक करती हूँ। ओके बाय। ठीक है, इसको जरा यहाँ खिसका। अरे दादी, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? नौकर है ना ये सब करने के लिए,
अब सब कुछ आप ही करेंगी। हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम तो बस हुक्म चला रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, कर तो ये लोग थक जाएंगे दादी। आभा सरप्राइज। ये क्या है, आभा के लिए साड़ी लाया है? नहीं, मैं तो आपके लिए साड़ी लाया हूँ। अच्छा, ओ देखो, ये रंग ठीक है भाई। अब जब तू हमारे लिए साड़ी ले ही आया है तो इसे मैं रख लेती हूँ। अगले जब आभा के लिए साड़ी ले आया है तो छुपाने की क्या बात है? हुँ? जी, अब आभा के लिए ले आया है हा? तो झूठ क्यों बोल रहा है हा? अच्छा किया बेटा तू आभा के लिए नई साड़ी ले आया, कल हवन में वो यही पहनेगी। और दादी, कल पहली बार आभा के घर वाले आ रहे, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रहा है। कल जब माँ और पिताजी यहाँ नहीं आएंगे तो दादी को बहुत बुरा लगेगा, उनकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। पर हम क्या करें, अगर हम हमारे घर वालों को यहाँ आने देते हैं तो पापा को दिया गया वचन तोड़ देते हैं। भगवान, कल जो कुछ भी हो उसे संभालने की हमें शक्ति देना।
थैंक्स। किस लिए? मुझे यहाँ लाने के लिए। और अतीत की घुटन से बाहर निकालने के लिए। फोन उठाओ साने। कम ऑन, उठाओ फोन। मगर इस बार सिर्फ बात ही नहीं सुनना, अपनी बात भी कहना, अपनी खुशी जाहिर करना। हेलो तानिया, आई एम सो सॉरी, काम में इतना बिजी हो गया तुम्हें फोन ही नहीं कर पाया। और मैं और आभा ठीक हैं, हम लोग खाना भी खा चुके हैं। लेकिन करण, मैंने तो ये सब पूछा ही नहीं। हाँ पूछा नहीं, लेकिन हर बार यही तो पूछती हो कि तुम कैसे हो, आभा कैसी है, तुम लोग ने खाना खाया नहीं, तो मैंने सोचा इस बार मैं ही जवाब दे दूँ। खैर छोड़ो, बताओ वहाँ कैसा चल रहा है सब। मैं बहुत खुश हूँ, बारिश भी एंजॉय करने लगी हूँ पहले की तरह। हाँ बारिश में भीगा जा रहा है मतलब। अकेले? नहीं अकेले नहीं। संस्कार है मेरे साथ। संस्कार? हाँ वो एक्चुअली संस्कार ने ना हमारी कंपनी ज्वाइन करी है। बस बारिश हो रही थी तो हमने सोचा क्यों ना बाहर जाके कॉफी पी जाए। अरे वेरी गुड। पूछो मैं किससे बात कर रहा था। किससे? सान्या से। संस्कार भी था उसके साथ। अच्छा? संस्कार ने सान्या के डैड के ऑफिस में ही जॉब ली है। और सच कहूं आभा, बहुत दिनों बाद सान्या की आवाज में मैंने खुशी महसूस की। चलो अच्छी बात है, संस्कार को भी नई जगह पे एक साथ मिल गया। और मैं सान्या को लेकर भी परेशान नहीं हूँ। कभी कभी हमें संस्कार के बारे में सोचकर बहुत चिंता होती थी। एक्चुअली सान्या की टेंशन मुझे भी बहुत होती थी, लेकिन आज बात करके अच्छा लगा कि वो खुश है। बहुत। तुम कल पूजा में यही साड़ी पहनना। अब इसे निहारना बंद करो और चल के मेरे साथ तैयारियां करो। कल तुम्हारे परिवार वाले आ रहे हैं और बहुत काम करना है उनके स्वागत के लिए। मुझे एक बात बताओ, कर मैं अगर कल से मूछे रखना शुरू कर लूं तो कैसा लगूंगा? है ना, इतनी या और लंबी, या तो फिर तुम्हारे पिताजी और बाकी के ठाकरों वाली लंबी लंबी मूछे। करण ये सब आप क्या कह रहे हैं, हमें आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं। आभा मुझे बताओ ना मैं क्या पहनूं, आई मीन कुर्ता पजामा पहनूं, पैंट शर्ट पहन लूं या टी शर्ट पहन लूं, क्या पहनूं? छोड़िए ना ये सब। अरे नहीं आभा, मैं एक अच्छा दामाद बन के दिखाना चाहता हूँ। अब मेरी लंबी लंबी मूछे तो है नहीं कि मैं तुम्हारे पिताजी को इम्प्रेस कर सकूं, और तुम उनकी पसंद अच्छी तरह जानती हो, तो मुझे बताओ ना प्लीज। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? हमने
हमने उन्हें यहाँ आने से मना कर दिया। क्या? क्यों मना कर दिया? करण, हमने पापा को वचन दिया था हम अपने घर वालों से नहीं मिलेंगे, और हम नहीं चाहते हमारे घर वालों के यहाँ आने से पापा को दुख पहुँचे, या फिर उन्हें ऐसा लगे हमने अपना वचन तोड़ा है और बहू का फर्ज नहीं निभा सके, इसलिए हमने उन्हें यहाँ आने से रोक दिया। कैसे रोक सकती, कैसे मना कर सकती हो तुम? उन्हें बुरा नहीं लगा होगा। और क्या तुम्हारे घर वाले मेरे कुछ नहीं लगते? मैं चाहता हूँ कि वो आए। आज मैं माजी से मिलने गया था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कल आने के लिए। और करण, आज आप माँ से मिले थे और वो यहाँ आने के लिए मान गए? करण, करण आप अभी उन्हें फोन करके कहिए कि वो यहाँ ना आए। कैसी बातें कर रही हो तुम? सुनिए करण, उनसे कह दीजिए कि हम मजबूर हैं। करण, अगर वो कल आ गए और पापा को किसी भी बात का बुरा लगा ना, तो दोनों परिवार की दूरियां और बढ़ जाएंगी। इससे बेहतर है कि वो ना आए। ऐसा कुछ नहीं होगा। करण, आप समझने की कोशिश करिए प्लीज। करण, हमारी खातिर फोन कर दीजिए प्लीज। करण, अगर आप फोन नहीं करेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। आभा प्लीज। आभा जी, दादी हम अभी आते हैं, अब प्लीज फोन कर दीजिए। ये लीजिए दीदी पानी। लता की तबीयत कैसी है भाभी? हाँ ठीक है, आराम कर रही है। हमारे साथ स्वर्ण भवन भी नहीं आ सकती। वैसे दीदी, जितने पैसे थे उसमें कुछ अच्छी चीजें आई ना? हाँ, बच्चों के मामले में पैसों को नहीं देखा जाता भाभी। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी दीदी, क्योंकि आभा ने चिट्ठी में खास लिखा था ना कि भेंट उसके ससुराल की हैसियत के अनुसार ही लाए, इसलिए मैंने। हेलो। नमस्ते माँ जी, करण। अरे करण बेटा, तुम कैसे हो? माँ जी, आभा ने वो चिट्ठी भेजी थी आप। हाँ हाँ, हमें मिल गई। आभा को मिलने को बहुत दिल तरस रहा है, पता नहीं आज की रात कैसे गुजरेगी। अब तो ऐसे लग रहा है कि कल का दिन भी बहुत दूर है। हम जरूर आएंगे बेटा। हाँ हाँ माँ जी, ऑफ कोर्स आना तो है ही। मैंने तो इसीलिए फोन किया था कि अगर खाने में किसी किस्म का परहेज हो या किसी को कुछ खास चाहिए हो तो बता दीजिए। नहीं बेटा, हम अपनी बेटी को और दामाद को एक साथ देख लेंगे ना, हमारी भूख मिट जाएगी। आभा को कहो बिल्कुल चिंता ना करें, हम आ जाएंगे। ना ये दीदी, मैं बात करती हूँ। इतनी थकी हारी आई हैं आप बैठिए, आराम कीजिए, मैं बात करती हूँ। हाँ करण बेटा, बोलो। हेलो हेलो। ओहो कट गया। माँ आवाज ही नहीं आ रही थी। करण, उनसे कह दीजिए कि हम मजबूर हैं, अगर वो कल आ गए और पापा को किसी भी बात का बुरा लगा ना, तो दोनों परिवार की दूरियां और बढ़ जाएंगी, इससे बेहतर है कि वो ना आए। हमारी खातिर फोन कर दीजिए, अगर आप फोन नहीं करेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी।